जय हिंद दोस्तों, आप थंबनेल में पढ़ चुके हैं हमारे भारतीय पूर्व नौसैनिक जो कि कतर में जिन्हें मौत की सजा सुना दी गई थी वह अब भारत वापस लौट चुके हैं और उन्हें रिहा कर दिया गया है। अगर आप इस घटना के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा और पूरा विश्लेषण के साथ हम आपको बताएंगे और वीडियो पूरा देखिएगा। और दोस्तों यह सब संभव हो पाया हमारे और आपके सहयोग से, क्योंकि जब यह खबर निकल के आई विदेशी मीडिया के द्वारा तो किसी ने इस पे ट्वीट किया और किसी ने रीट्वीट किया, किसी ने यूट्यूब पे वीडियो बनाया, किसी ने उस वीडियो को देखा और धीरे धीरे यह इंटरनेशनल मीडिया में फैल गया और हमारी सरकार ने इस पर एक्शन लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से इस पे ध्यान दिया, जिस कारण ये सब संभव हो पाया और ये पूर्व नौसैनिक लौट आए। और दोस्तों हमें ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि कभी कभार ही हमें मौका मिलता है कि हम सैनिकों की सेवा कर पाएं, क्योंकि देश की सेवा और देश के नागरिकों की सेवा तो भारतीय सैनिक पूरे तन मन धन से करते हैं, लेकिन ऐसा मौका कभी कभार मिलता है कि हम उन सैनिकों की जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं उन सैनिकों की हम सेवा करें। तो हम सब ने भी इन सैनिकों का साथ बहुत ही अच्छे तरीके से देते आए हैं और दे रहे हैं, आगे भी हम सब का सपोर्ट तो हमेशा भारतीय सैनिकों के साथ ही रहता है। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं कि यह घटना कैसे प्रारंभ हुई। दोस्तों जब यह खबर इंटरनेशनल मीडिया में फैल गई थी हम सबके प्रयास से, तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को जब यह बात पता चली तो वो सबसे पहले उन सारे 8 सैनिकों के फैमिली से पर्सनली जाकर मिले थे। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जयशंकर मीट्स फैमिली ऑफ 8 एक्स नेवी पर्सनल फेसिंग डेथ सेंटेंस इन कतर एज यू रिपोर्ट फॉर द रिलीजेज। पर्सनली जाके उनके फैमिलियों से मिले और बात किए थे। दोस्तों यह पूरी घटना प्रारंभ हुई थी 30 अगस्त के और ये 8 जो नौसैनिक हमारे पूर्व थे वह दाहरा ग्लोबल कंपनी में काम किया कर और इन्हें वहाँ की सरकार ने तो कुछ नहीं बताया, वहाँ की सरकार कतर की सरकार ने कहा कि इन्हें अज्ञात कारणों से गिरफ्तार किया गया है। और आप यहाँ लिखा देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। साल 2023 में 1 मार्च इन 8 भारतीयों में से कई की जमानत याचिकाएं खारिज कर दे, इसके बाद इन्हें जेल में डाल दिया गया। दोस्तों इन्हें खुफिया विभाग के चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, इसलिए इनकी जमानत ये याचिकाएं भी खारिज कर दी गई थी और इसके बाद इन्हें जेल में डाल दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि 26 अक्टूबर की कतर की अदालत ने 8 भारतीय नौसैनिक उन्हें मौत की सजा सुना दी थी। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ है द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेड इट इज इन क्लोज टच विथ द लीगल टीम एज वेल एज फैमिली मेंबर्स टू डिसाइड ऑन द नेक्स्ट स्टेप। हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है उन सभी फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत ही नजदीकी संपर्क में रहने लगी और अगले स्टेप के बारे में विचार करने लगी कि उन नौसैनिकों को किस प्रकार से छुड़ाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन सभी सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। दोस्तों यह सब घटना घट रही थी और अंदर ही अंदर बातें हो रही थी, लेकिन अचानक एक दिन खबर आती है कि कतर फ्री 8 ने भी वेटरन्स 7 बैक इन इंडिया। अचानक से मतलब खबर आती है कि सभी जो 8
नौसैनिक थे उन सबको रिहा कर दिया गया और वो उनमें से 7 भारत लौट चुके हैं, और यह कैसे संभव हो पाया इसकी जानकारी गुप्त है, इसके बारे में किसी को कुछ कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन इससे पहले एक खबर आई कि पीएम मिट्स कतर इमिर्स फर्स्ट टाइम आफ्टर डेथ पेनाल्टी टू एक्स नेवीमैन। इसके पहले खबर छपती है कि पीएम मोदी कतर के जो वहां के इमीर हैं उनसे मिले हैं, और अचानक से खबर आती है फिर कि हमारे नौसैनिक रिहा हो गए हैं। आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं कि 4 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी उनसे मिले थे दोस्तों। और यह खबर आती है कि कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है, और 7 तारीख को सोमवार सुबह सभी भारत लौट आए हैं। दोस्तों यह सब कैसे संभव हो पाया, ये सब हमारी सरकार ने कैसे की, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, ये सारी जानकारियां गुप्त रखी गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि जब इमिरेट्स पीएम मोदी मिले थे तो उनके साथ पीएम मोदी ने समझौता किया, और विदेशी मीडिया ने कहा कि वही समझौता जो भारत ने किया है कतर के साथ, वही उसी समझौते के कारण ये सारे सैनिक रिहा हो पाए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीबीसी बता रही है कि 6 फरवरी को हुए भारत और कतर के बीच समझौते 2048 तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस भारत कतर से खरीदेगा, यही वह समझौता है जिसके कारण बताया जा रहा है कि उन सभी सैनिकों को रिहा कर दिया गया है, और यह समझौता अगले 20 सालों के लिए हुआ है। इसकी कुल लागत $78 अरब है। भारत की सबसे बड़ी एलएनजी आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड पीएलएल ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ ये समझौता किया है। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस एक्सपोर्ट करेगा। इस गैस का इस्तेमाल बिजली, फर्टिलाइजर बनाने और इसे सीएनजी में बदलने के लिए किया जाता है। तो बीबीसी का कहना है कि यही वो बड़ी समझौता बना है जिसके कारण उन सैनिकों को रिहा कर दिया गया है। लेकिन पूरी बात क्या है ये बात अभी तक गुप्त है, और इस सरकार ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिसमें बातें गुप्त रखी है, जैसे नोटबंदी आई थी अचानक से आ गई, 370 धारा हटना अचानक से हट गई, 3 तलाक पे भी अचानक से बिल आ गया था। इस खबर को सोशल मीडिया पर फैलाने वाली मीतू भार्गवा है दोस्तों, या मीतू भार्गवा उन्हीं नौ सैनिकों में से जो अभी कतर में रह गए हैं, जो नहीं लौटे हैं 7 में से एक उनकी बहन है, और इन्होंने ही सबसे पहले इन्हें जानकारी मिली तो इन्होंने ट्विटर पे डाला और यह जानकारी सभी से शेयर की और पीएम मोदी को टैग किया। दोस्तों हमारे यहाँ तो रीति है कि भाई बहन की रक्षा करता है, लेकिन यहाँ तो एक बहन ने अपने भाई के प्राणों की रक्षा की है। और जब वह वापस सभी सैनिक को मुक्त कर दिया गया और वापस लौटाए तो इन्होंने थैंकफुल भी कहा, देखिए आई थैंक प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड एस जयशंकर दैट दे एक्स नेवी पर्सनल रिलीड बाय कतर हैव रिटर्न टू इंडिया। जब वो सभी वापस लौटाए तो इन्होंने थैंक यू भी कहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को। और आप यहाँ देख सकते हैं कि उन्हीं में से एक हमारे नौसैनिक हैं। ये सभी अफसर कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने वाली एक निजी कंपनी दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी में काम करते थे। दाहरा ग्लोबल डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खामिस अल आजमी इसके प्रमुख थे। 26 अक्टूबर को इन्हें गिरफ्तार किया गया था और 28 दिसंबर 2023 को इनकी सजा मौत की सजा में बदल दी गई थी।
इन सैनिकों का मानना है कि मोदी के बिना रिहाई संभव नहीं थे। एक अन्य पूर्व नौसैनिक का भी कहना है कि हम 18 महीने बाद भारत आ सके हैं। हम पीएम मोदी और भारत सरकार को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हैं। घर लौटकर अच्छा लग रहा है। दोस्तों, वर्तमान सरकार ने हम सभी भारतीयों को विदेश से जब जब खतरा हुआ है वापस लाने में पीछे नहीं हटी है और ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ऑपरेशन राहत 2015 में चलाई, ऑपरेशन मैत्री 2015 में चलाई सरकार ने, ऑपरेशन संकट मोचन चलाया, ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया, ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया, ऑपरेशन गंगा चलाया, ऑपरेशन कावेरी चलाया। अभी आपने इजराइल युद्ध के बारे में सुना होगा, तो उसमें ऑपरेशन अजय चलाया गया था, जिसमें कई भारतीयों को वापस लाया गया। दोस्तों, जब यह पूरी घटना घट चुकी थी, तभी बीच में से खबर निकलती है कि इन पूर्व नौसैनिकों को छुड़ाने में हाथ शाहरुख खान का है, लेकिन शाहरुख खान ने इस बयान को खारिज कर दिया है। अब देख सकते हैं कि कतर यहाँ लिखा हुआ है कि शाहरुख खान की ओर से बयान जारी कर खारिज कर दिया है। किंग खान के दफ्तर की ओर से बयान में कहा गया है कि ऐसे तमाम दावे निराधार हैं, इस मामले में शाहरुख खान शामिल नहीं है। शाहरुख खान ने उन तमाम दावों को खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि कतर में कैद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को वापस लाने में वो शामिल रहे। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा दंदलानी ने किंग खान की ओर से बयान जारी कर साफ किया कि इस मामले में किंग खान के शामिल होने की चर्चा निराधार है। तो कई ऐसे अफवाह भी फैल जाते हैं। तो दोस्तों, आप न्यूज चैनलों पर ही विश्वास करें और जो विश्वास पात्र न्यूज चैनल है उसी पे सिर्फ विश्वास करें और अफवाहों से सावधान रहें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो आप मुझे सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।